प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से पेंतिकोस के दिन का एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जो आपको प्रेरितों अध्याय 2 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के पश्चात चेले एक जगह ऊपरी कोठरी में इकट्ठे थे और प्रार्थनाएं कर रहे थे। यह दिन पेंतिकोस का दिन था। यहाँ थोड़ा रुककर सर्वप्रथम हम ध्यान दें कि प्रभु यीशु का जब स्वर्गारोहण का दिन था, तब प्रभु ने स्वर्ग में जीवित उठाए जाने से पहले चेलों से कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। यहाँ इस पेंतिकोस के दिन हम प्रभु के कहे इन शब्दों का प्रमाण भी देख सकते हैं। कैसे, आगे हम देखते हैं। जब चेले इसी तरह इकट्ठे होकर प्रार्थनाएं कर रहे थे, तब एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। तब हम देखते हैं वहां कि वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। क्या अद्भुत दृश्य हम वहां देख सकते हैं, प्रभु का कहा हुआ प्रमाणित रूप में पूरा होते हुए। मेरे प्रियो, आज हम जिस आत्मा के अभिषेक की अधीनता में चलते हैं, जिस आत्मा से भरकर हम प्रार्थनाएं करते हैं, वह प्रभु की यही सामर्थी पवित्र आत्मा है जो उस समय चेलों पर आ ठहरी थी, और वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए तथा अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यह अन्य अन्य भाषा प्रकट करता है परमेश्वर की आत्मा के उस वरदान को, जो पवित्र आत्मा का ही वरदान है, उसी का प्रकटीकरण है। ऐसा बिल्कुल भी ना समझे आप कि जो अन्य अन्य भाषा नहीं बोलता उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा तो हर उस विश्वासी के पास है जिसने यह स्वीकार किया और अंगीकार भी किया कि प्रभु यीशु को छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। अन्य अन्य भाषा तो पवित्र आत्मा का वरदान है, गिफ्ट है, उसका प्रकटीकरण है और चिन्ह है, जो उस समय चेलों पर भी उतरा तथा उनकी जीभें आग से भरकर अन्य अन्य भाषा बोलने लगी। अर्थात यह है कि उसी समय उन्होंने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त किया और एक नए अभिषेक व सामर्थ्य से वह भर गए। हालेलुया। आगे हम देखते हैं वहां कि उन दिनों आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे, क्योंकि वह फसे के दिन थे। तब जब यह शब्द वहां लोगों ने सुने तो वहां एक बड़ी भीड़ लग गई और वे लोग घबरा कर यह सब देखने लगे कि ये कैसे हमारी ही भाषाओं में बोल रहे हैं। वे सब लोग यह देखकर चकित व अचंभित हुए और बोले कि देखो, ये सब जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर कैसे ये सब हमारी सी भाषाओं में बोल रहे हैं? अर्थात मेरे प्रियो, उस समय राज्य राज्य के लोग वहां एकत्रित थे और उन भाषाओं में वह अपनी अपनी भाषाओं को सुन पा रहे थे, और इसी प्रकार अपनी अपनी भाषाओं में वह चेलों के मुंह से परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों की चर्चा सुन रहे थे। हालेलुया। यह सत्य घटना है मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ का अभिषेक जब उतरा तब चेलों की भाषाएं अन्य अन्य भाषाओं में बदल गई। अर्थात वे सब जाति जाति प्रांत प्रांत की भाषाओं में बोलने लगे, जिन्हें वे आप तो नहीं समझते थे, परंतु उस भाषा का अनुवाद जानने वाले समझ पा रहे थे। आज भी मेरे प्रियो, जब हम कलीसियाओं में अन्य अन्य भाषाएं बोलकर प्रार्थना करते हैं, तब हम भी नहीं जानते कि हम क्या बोल पा रहे हैं, परंतु यदि उनका कोई अनुवादक हो तो वह समझ पाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब चेले इसी प्रकार अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे तो लोगों ने आश्चर्य किया। बहुतों ने तो यह भी बोला कि ये सब तो नई मदिरा के नशे में चूर है। मेरे प्रियो, ऐसा ही होता है जब हम आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो देखने वाले अन्य जाति लोग हमें क्रेजी पीपल्स ही मानते हैं।
क्योंकि वे नहीं जानते उस आत्मा के सामर्थ का बल व अभिषेक, जैसे उस घड़ी भी लोग नहीं जान पा रहे थे। तब आगे हम देखते हैं कि तब उन चेलों में से पत्रस खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा वहाँ कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुन लो कि जैसा तुम समझ रहे हो कि हम सब नशे में हैं तो यह गलत है। हम सब नशे में नहीं हैं, यह तो दिन का ही अभी पहर है। वरन योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई भविष्यवाणी यहाँ पूरी होती है, जिसमें लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। इस प्रकार वहां पत्रस खड़े रहकर योएल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को बोलने लगा और उसका प्रकटीकरण दिखाने लगा, जो वहां सिद्ध करता है कि चेलों के द्वारा कि वह पवित्र आत्मा से भरे थे। हालेलुया। यहां तक हमने देखा कि किस प्रकार पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा का वरदान और सामर्थ व बल प्रेरितों पर आ ठहरा, जैसा प्रभु यीशु ने अपने स्वर्ग में उठाए जाने से पहले ही चेलों को कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और उन्होंने सामर्थ पाया भी और अन्य अन्य भाषा का वरदान भी, जो पवित्र आत्मा का ही प्रकटीकरण करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हमें समझना है एक विशेष बात को, जो कि प्रमाणित करती है कि जो भविष्यवाणियां बाइबल के आधार पर की जा चुकी हैं उनका पूरा होना निश्चित है। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता की कही हुई बातें व भविष्यवाणियां नहीं टल सकती, क्योंकि योएल की पुस्तक में भविष्यवाणी थी वह वहां पूरी हुई और प्रभु यीशु के कहे शब्द भी वहां सिद्ध हुए, और चेले सच में उस आत्मा के अभिषेक व दान वरदानों से भर गए और अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे तथा सामर्थ से भर गए, और पत्रस उन्हीं में से खड़ा होकर सामर्थ से भरकर प्रचार करने लगा। वही पत्रस मेरे प्रियो, जिसने प्रभु का यहूदियों के डर के कारण 3 बार इनकार कर दिया था, आज वही पत्रस पवित्र आत्मा से भरकर सामर्थ पाकर हजारों के सामने प्रभु यीशु के प्रभु होने का प्रचार कर रहा था। हालेलुया। यह कैसे संभव हुआ मेरे प्रियो? पवित्र आत्मा के सामर्थ व बल के द्वारा, और जैसा प्रभु ने कहा भी था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी की आखिर छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, और पृथ्वी भर की जाति जाति के और प्रांत प्रांत के लोग वहां ही एकत्रित थे, जब पत्रस पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर खड़ा रहकर हियाव से प्रभु के विषय उन्हें बता रहा था। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का बल व सामर्थ है ही ऐसा कि वह मनुष्य को हियाव व दृढ़ता व बुद्धि व समझ प्रदान कर शून्य से शिरोमणि बना देता है, अज्ञानी से ज्ञानवान बना देता है और निर्बल से सामर्थी बना देता है, जैसा कि हम वहां चेलों के जीवन में भी देख पा रहे हैं। जब पवित्र आत्मा बल से उन पे उतरा तब एक तो वह पवित्र आत्मा के दान व प्रकटीकरण से भरकर अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, और दूसरा उन्हें साथ ही साथ प्रभु के लिए खड़े रहकर ज्ञान व बुद्धि व सामर्थ और बल भी प्राप्त हुआ, जैसे पत्रस ने वहां हजारों के बीच खड़े रहकर प्रभु यीशु का प्रचार किया और भविष्यवाणियों को दोहराया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, बाइबल यह भी दर्शाती है वहां कि जब पत्रस आत्मा से भरकर हियाव के साथ वहां प्रचार कर रहा था, तभी वहां सुनने वालों के हृदय छिद गए और वह पत्रस व शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, अब हम क्या करें। तब पत्रस ने उनसे कहा कि मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा मांगो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम भी पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अतः इस प्रकार पत्रस ने वहां उन्हें समझाया और जितनों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने तभी बपतिस्मा लिया, और बाइबल बताती है उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग इसी प्रकार उन प्रेरितों में आ मिले और उनसे शिक्षा पाई, उनसे संगति रखी और प्रार्थनाओं में लोलीन रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही है उस सत्य की आत्मा का प्रकटीकरण जिसके द्वारा वर्षों से बंधे कैदी स्वतंत्र किए जाते हैं, मुक्त किए जाते हैं, उद्धार पाते हैं, जैसा कि हम यहाँ भी देख सकते हैं कि प्रभु को ना मानने वालों ने, कठोर हृदय वालों ने मन फिराया, पापों की क्षमा मांगी तथा प्रेरितों में मिलकर प्रार्थनाओं में लोलीन रहने लगे,
क्योंकि भाइयों बहनों, यह वचन यहाँ सिद्ध होता है व प्रमाणित हो जाता है कि ना तो बल से ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा से सब कुछ संभव है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ व बल से भरे पत्रस ने जब वहां प्रचार किया तब वहां सुनने वालों के हृदय छिद गए और उन्होंने तुरंत मन फिराकर बपतिस्मा लिया और यह संख्या भी हजारों में थी। मेरे प्रियो, यह आश्चर्य कर्म पत्रस के द्वारा नहीं वरन उस पर ठहरी उस सामर्थी आत्मा के द्वारा संभव हो पाया जिसकी भविष्यवाणियां की जा चुकी थी, जिसके विषय प्रभु यीशु आप ही दर्शा चुके थे। यह वही सामर्थी आत्मा के द्वारा संभव हुआ कि सुनने वालों के हृदय छिद गए। मेरे प्रियो, अब यहाँ हम कुछ गहरे भेदों को संक्षिप्त में यहाँ सीख व समझ लेंगे कि हम देख सकते हैं सर्वप्रथम कि प्रभु यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने के पश्चात चेले ऊपरी कोठरी में प्रार्थनाएं कर रहे थे उस विषय को लेकर जिसके विषय प्रभु ने उनसे कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। मैं ऐसा मानती हूँ कि उन बातों को ही लेकर चेले वहाँ प्रार्थनाओं में लग गए होंगे और जैसे ही वे संसार से अलग होकर ऊपरी कोठरी में प्रार्थनाओं में लोलीन प्रभु से उस आत्मा को प्राप्त करने के विषय प्रार्थनाएं कर रहे थे वैसे ही आकाश में से एक बड़ा शब्द सुनाई पड़ा तथा उनकी जीवों पर एक आग के समान आत्मा की भाषा उतर गई तथा वह सब के सब आत्मा की सामर्थ से बल से व अन्य अन्य भाषाओं से भर गए तथा उन्हें देखने वालों ने फिर आश्चर्य किया व अचंभित हुए क्योंकि वे सब गलीली चेले थे जो लोगों की दृष्टि में सामान्य निर्बल व साधारण थे। परंतु मेरे प्रियो, आत्मा के बल के कारण वे सब के सब साधारण से असाधारण, निर्बल से बलवान तथा सामान्य से असामान्य में बदल गए तथा दृढ़ता व हियाव से बोलने लगे। हालेलुया। ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा से भरकर हम अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं तो हम भी एक नया बल, एक नया सामर्थ, एक नया अभिषेक प्राप्त करते जाते हैं तथा वह करने में सामर्थी हो जाते हैं जो हम अपने बल के द्वारा कर नहीं सकते। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा का बल व सामर्थ ही चाहिए होता है। जैसे परमेश्वर के राज्य के गहरे भेदों को प्रकट करना, वचन के ज्ञान को सिखाना, चंगाइयां देना, प्रकाशन व बल में सदा चलते रहना, यह सब कार्य उसी पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है जो चेलों पर उस घड़ी उतरा था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आप भी पवित्र आत्मा के दान व वरदानों से भर जाएं और अन्य अन्य भाषाएं बोले और प्रभु के राज्य के लिए उपयोगी ठहरे, हजारों के लिए उद्धार का कारण बन जाएं, जैसे पत्रस भी बना और उस आत्मा का सामर्थ प्राप्त कर पृथ्वी के आखिर छोर तक प्रभु के गवाह ठहरे, तो मेरे प्रियो, जुट जाएं प्रार्थनाओं में, खुद को संसारिक बातों से अलग कर परमेश्वर को पुकारे, उसके वायदों को उसे स्मरण कराएं और प्रार्थनाएं करें, फिर देखें कैसे परमेश्वर आपको अपनी उस आत्मा से परिपूर्ण करता है जिससे भरकर आप संसार को प्रभु के लिए जीतने वाले बन पाएंगे तथा आपको देखने वाले आश्चर्य करेंगे और आपसे पूछेंगे कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। तब आप उसी आत्मा से भरकर उन्हें कह सकेंगे कि प्रभु यीशु पर विश्वास करो, अपने अपने पापों की क्षमा मांगो, बपतिस्मा लो, तब तुम भी उद्धार प्राप्त कर पाओगे और पवित्र आत्मा के दान वरदानों से भर पाओगे। और फिर मेरे प्रियो, निश्चय ही आपकी उसी आत्मा की परिपूर्णता को प्रभु उसी घड़ी प्रकट करेगा तथा आपके भी द्वारा हजारों हजारों का उद्धार संभव हो पाएगा और आपके द्वारा भी पेंतीकोस का दिन फिर से प्रकट हो पाएगा, क्योंकि यह आपके बल से नहीं, आपके सामर्थ से नहीं, वरन उस आत्मा से संभव हो पाएगा जो आपके भीतर होकर कार्य करेगा। हालेलुया। जैसा हम पेंतीकोस के दिन चेलों व सबसे अधिक पत्रस पर भी होता हुआ देखते हैं, हजारों के उद्धार का दिन और पवित्र आत्मा के दान वरदानों के प्रकटीकरण का दिन, मेरे प्रियो, वही पेंतीकोस का दिन हमारे द्वारा भी प्रकट हो सकता है, हमारी प्रार्थनाओं में लोलीन रहने के कारण, प्रभु को पुकारने के कारण, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं करने के कारण एक नया बल व सामर्थ हम पर भी आ ठहर सकता है। फिर वह सामर्थ जो हमें निर्बल से सामर्थी बना सकता है, अज्ञानी से ज्ञानवान बना सकता है, जैसे पत्रस भी बना और बाकी प्रेरित भी, और इतिहास आज उस पेंतीकोस के दिन को दोहराता भी है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं
तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।